यार हॉलीवुड की फिल्मों की कलर ग्रेडिंग कितनी ही रियलिस्टिक होती है, बिन बोले ही सब कुछ बोल देती है यार। काश मैं भी अपनी वीडियोस में ऐसी कलर ग्रेडिंग कर पाता। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू उनकी कलर ग्रेडिंग कॉपी कर ले। वो कैसे? प्रीमियर प्रो का कलर मैच फीचर यूज करके तू किसी भी फिल्म का कलर ग्रेड कॉपी कर सकता है जस्ट एक क्लिक में। तो भाई मुझे ये बताना ताकि मैं भी अपनी वीडियोस में ऐसी कलर ग्रेडिंग कर सकूं। आजा बताता हूँ। हेलो गाइस, मैं आपका अपना साहिल खुराना वापसी आ गया नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको पता ही है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं दोनों क्लिप्स, पहली रॉ और दूसरी जिस क्लिप से आपको कलर ग्रेड कॉपी करना है। तो अब हम वर्कस्पेस में जाके सेलेक्ट करेंगे कलर सेक्शन। तो यहाँ पर हमें मिलेगा लोमेट्रिक कलर और इसमें हम चूज कर लेंगे कलर व्हील एंड मैच। कलर व्हील एंड मैच ओपन करते ही आपको दिखेगा कंपैरिजन व्यू। कंपैरिजन व्यू पे क्लिक करेंगे तो दो स्क्रीन ओपन हो जाएंगे और आप इसको यहां से भी ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट व्यू है रेफरेंस व्यू, मतलब जिस भी क्लिप का कलर ग्रेड आपको कॉपी करना है वो क्लिप। अब आपको देखना यह है कि वो क्लिप टाइमलाइन पर कहां है और ये स्लाइडर है, यहां से आप या फिर टाइम कोड से चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने करण ओजला का एडमायर यू सॉन्ग का क्लिप लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अब आएंगे सेकंड व्यू पर। सेकंड व्यू मतलब करंट व्यू। इस पर हम अपनी वो क्लिप ओपन करेंगे जिस क्लिप पे हमें कलर ग्रेड करना है। अब हम अपनी करंट क्लिप को सेलेक्ट कर लेंगे टाइमलाइन पर और कलर व्हील मैच ऑप्शन में जाके जस्ट अप्लाई मैच पे क्लिक कर देंगे। सी, इन जस्ट वन क्लिक आपका कलर ग्रेड कॉपी हो चुका है। कंपेरिजन व्यू को बंद करके एक बार देखते हैं। ये कलर ग्रेडिंग एकदम 100% एक्यूरेट मैच नहीं है, लेकिन 70-80% मैच हो चुकी है। आपको अपना डिजायर लुक क्रिएट करने के लिए थोड़ा बहुत मैनुअल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। होप सो वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।